सलमान आबिद साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ताले की, दरगाह की, तावीज़ की, एक तावीज़ तो शेख रशीद साहब कह रहे थे कि हमने अपोजिशन पे तावीज़ से काम चला लिया, तो ये साथियों पे भी तावीज़ से काम चला लें, ताले खोल लें? ये देखिए, आप के पास हर ताले की चाबी है, एमक्यूएम का ताला अलग है। देखिए तारिक मतीन, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान ये जो आंख मचोली का खेल पिछले 16 माह में चला है, ये आगे भी चलेगा। उसकी एक वजह है, क्योंकि जो कोलिशन पार्टनर होते हैं अमूमी तौर पर, जिस वक्त उनको ये पता होता है कि हुकूमत हमारी अददी तादाद पर खड़ी है और अगर हम अपने आप को विदड्रॉ करें तो हुकूमत गिर जाएगी, तो वो फिर अमूमी तौर पर अपनी शरायत को बार बार रिपीट करते हैं मफादात के दोस्त पर। और आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे ये इत्तेहादी जमातें जाएंगी कहाँ, पहले मुझे बताइए कौन सी अपोजिशन है जिसके पास इन्होंने जाना है? वो पीएमएलएन की अपोजिशन जो लंदन भाग गई है, वो पीपल्स पार्टी की अपोजिशन जो अपने आप को खुद विड्रॉ कर गई है। सवाल ये है, या तो अपोजिशन बड़ी जोबन पे होना और उन्होंने एक बड़ी भरपूर मुल्क के अंदर तहरीक चलाई हुई हो और लगता ये हो कि अगर हमने ये अपोजिशन की ट्रेन मिस कर दी तो हमारी बारी चली जाएगी। देखिए इस वक्त ये तमाम जमातें जिसमें बेंगल ग्रुप भी है, एमक्यूएम भी है, चौधरी बरादरान भी है, तो ये जो और जीडे भी है, खुद करीब नहीं आए थे, खुद दूर नहीं गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये कहाँ जाएंगे, ये कहीं नहीं जा सकते, ये रहेंगे इसी हुकूमत के अंदर। अब बात जो चुगताई साहब ने की है, वेग साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हुकूमत जो है चले जाएंगे। देखिए बात यह है कि ये इशारे जो है ये पहले 16 माह में 3 दफा दे चुकी है बेंगल ग्रुप, 3 दफा दे चुकी है मुस्लिम लीग काफ और 3 दफा ही दे चुकी है एमक्यूएम, लेकिन गए नहीं है, उसी पुरानी तनख्वाह पे ही काम कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे सबसे ये है कि अगर मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि ये इत्तेहादी जमातें छोड़ना चाहती हैं, तो छोड़ के जाएंगी किसके पास? पीएमएलएन के पास, पीपल्स पार्टी के पास? वो कौन सी इस वक्त मुल्क के अंदर अपोजिशन कर रही है बड़ी जोरदार किस्म की कि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी? इसलिए मैं ये कहता हूँ ये रहेंगे यहीं पर ही, ये बार बार इनके सामने गुफ्तो शनीद और लेन देन का मामला चलेगा, कहीं हुकूमत इनको राजी करने की कोशिश करेगी, कभी ये उससे नाराज हो जाएंगे, फिर इनको कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे आज चौधरी बरादरान ने कहा कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए, अब हम बिल्कुल खुश हो गए हैं, 2 दिन के बाद आपको लगेगा कि एमक्यूएम भी राजी होगी। अच्छा फिर देखिए, एमक्यूएम के खालिद मकबूल सद्दीकी साहब ने कहा कि मैं वजारत से इस्तीफा दे रहा हूँ लेकिन हम हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। भाई ये कैसी दोस्ती है, ये कैसा रोमांस है, ये कैसा ताल्लुक है? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए इस वक्त की जो सियासत है उसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि ये लोग कोई बड़ी सियासी मुहिम जोई करेंगे, उसका तो मुझे कोई इम्कान कम से कम नजर नहीं आता। अलबत्ता वो हुकूमत को टफ टाइम देके, अब मिसाल के तौर पे एमक्यूएम का मसला क्या है, एमक्यूएम का मसला ये है कि कराची में हमें तरक्याती पैकेज जो है जो आपने अनाउंस किया वो देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग काफ कहती है कि पंजाब में मुख्तलिफ जो इंतजामी अफसरान की तकरीरी में हमारी राय शामिल की जाए और वो मुनस लाई को वजीर बनाया जाए। इसी तरीके से बेंगल ग्रुप बलूचिस्तान पैकेज के बारे में जो 6 नुकात उन्होंने पेश किए थे उस पर बात कर रहे हैं, तो ये गिव एंड टेक चलेगा। इससे अगर कोई ये नतीजा निकाल रहा है कि हुकूमत को कोई फौरी तौर पे कोई बहुत बड़ा खतरा ये नहीं है।